हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का बहुत ही टेस्टी चटपटा नाश्ता। आज हम सूजी मंचूरियन बनाने जा रहे हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है, बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाते हैं। तो ज़रूर आप इसे घर पर ट्राई करें, और अगर आपको ही हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले एक बोल में एक कप सूजी लेंगे। सूजी आप बारीक या मोटी कोई से भी ले सकते हैं। इसमें हाफ कप दही डालेंगे, नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा फ्रेश धनिया, मिक्स कर लेंगे इसे। पानी ऐड करेंगे इसमें, मिक्स करेंगे। तो देखिए ये बैटर की हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है। इसे अभी हमें इतना ही गाढ़ा रखना है। अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें पानी डाल देंगे, लेकिन अभी हम इसे इसी कंसिस्टेंसी में रखेंगे। तो इसे हमें ढककर 10 मिनट रेस्ट पर रखना है। 10 मिनट बाद ये बैटर में हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है। आप देख सकते हैं बैटर ये हमारा थिक हो चुका है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो देखिए ये बैटर की अब हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है। इतना गाढ़ा हमें इसे रखना है। अब इसमें हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। एक चौथाई छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। सोडा ऐड करने के बाद इसे हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है ताकि जो भी इसमें बबल्स बने वो ख़राब नहीं होने चाहिए। और देखिए आप चाहे तो बेकिंग सोडा की जगह पे इनो फ्रूट सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब ये हमने एक केक टिन लिया है, यानी एक कंटेनर लिया है। इसमें हम पहले ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे। अब जो बैटर है हमारा उसे हमें इसमें डालना है। टैप कर लेंगे इसे। अब हमने कढ़ाई में 1.5 गिलास पानी लिया है जिसे गर्म कर लिया है। इसके अंदर हम इस तरीके से स्टैंड को रखेंगे। आप चाहे तो छोटी सी कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके का स्टैंड नहीं है तो। अब जो हमारा कंटेनर है उसे हम इसमें रखेंगे। और देखिए अगर आपके पास ये कंटेनर नहीं है तो इसकी जगह पर आप प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम ढक देंगे और हाई फ्लेम पर 10 मिनट स्टीम करेंगे। उसके बाद इसे चेक कर लेंगे। 10 मिनट स्टीम करने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो एक नाइफ की हेल्प से हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए ये नाइफ हमारा बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब ये अंदर तक अच्छे से कुक हो चुके हैं। गैस हम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो देखिए ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो पहले इसके किनारों को इस तरीके से निकल लेंगे। तो इसे हमें कट करना है। ज़्यादा बड़ी साइज में हम इसे कट नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जिस साइज में कट करना चाहते कर सकते हैं। तो देखिए इसके पीसेस को हम अलग कर लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसके पीसेस को निकालना है इसमें से। अब गैस पर बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। इसमें थोड़ा सा लहसुन डालेंगे कट किया हुआ। लहसुन को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन थोड़ा फ्राई होने पर इसमें हम एक बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। एक फाइन चॉप किया हुआ गाजर ऐड करेंगे। एक शिमला मिर्च फाइन चॉप की भी डालेंगे।
वेजिटेबल्स को हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो देखिए वेजिटेबल्स हमारे इसमें सॉफ्ट हो चुकी है। सब्जी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हमने इसे बस सॉफ्ट होने तक पकाया है। एक चौथाई चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तीखा टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस, आप ग्रीन चिली सॉस की जगह पर हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। दो चम्मच सोया सॉस, दो चम्मच टमाटो केचप, थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक ध्यान से डालना है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब जो हमारे सूजी के पीसेस है उसे हम इसमें ऐड करेंगे और इसे हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। और देखिए सूजी के पीसेस में हमारे पहले से खट्टापन है, इसमें हमने दही ऐड किया है, इसके वजह से हमने इसमें विनेगर का यूज़ नहीं किया है। तो देखिए ये बहुत ही टेस्टी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये सूजी मंचूरियन हमारा रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो लीजिए हमारा सूजी का बहुत ही टेस्टी चटपटा नाश्ता है, यानी सूजी मंचूरियन सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें। और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमीदास किचन को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट भी हम दे सकते हैं। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।